हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इंडिया के अंदर अभी एचपी कंपनी ने अपना लैपटॉप लॉन्च किया था, तो अभी उस लैपटॉप के अंदर अभी सेल चल रही है। अरे यार, मैं आपको इस लैपटॉप का नाम तो बताना भूल गया। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप का नाम है एचपी लैपटॉप 7CN0097ER लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा लैपटॉप है एंड इसके ऊपर हमारे को कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आगे वीडियो में जानेंगे कि इसके ऊपर हमारे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है और इसके साथ साथ इसका इंडिया के अंदर क्या प्राइस होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एचपी 70 लैपटॉप का हमारे को ओनली ब्लैक कलर देखने को मिलेगा और इन लैपटॉप का मेरे को एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो बात ये है कि ये जो कंपनी है वो हमारे को मैक्सिमम 2 से 3-4 ही कलर दे रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो मोबाइल है उनके अंदर हमारे को काफी अच्छे अच्छे 6 से 7 कलर देखने को मिल जाते हैं, जिससे मोबाइल के अंदर हम अपनी पसंद का कोई एक मोबाइल को चूज कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए हम इस एचपी लैपटॉप के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को 17.3 इंच का फुल एचडी आईपीएस बिट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसकी ब्राइटनेस 250 nits की होगी और लैपटॉप के होम स्क्रीन पर हमारे को विंडो 11 अपग्रेडेड मिलेगी और इसके साथ साथ हमारे को एमएस ऑफिस भी इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, लैपटॉप को फ्रंट साइड पर देखने पर जो नैरो ग्लेज है वो ठीक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। और हमारे को एक वेब कैम मिल जाता है जो की 720 पिक्सल की फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फ्रेंड्स, इस एचपी 7 लैपटॉप का मेरे को एक पॉइंट नोट किया है, वो पॉइंट ये है कि कोई अदर लैपटॉप है उसके अंदर हमारे को 14 inches का, 15 inches का या फिर 16 inches का डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 17 inches का फुल एचडी डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये जो डिस्प्ले वो काफी अच्छा है, हमारे को डिस्प्ले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप की कंपनी है उससे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कैमरा क्वालिटी है उसके अंदर कुछ इम्प्रूव्ड किया जाए। तो चलिए इस एचपी लैपटॉप के रैम, प्रोसेसर एंड ग्राफिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को प्रोसेसर के अंदर 11th जनरेशन का इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर मिल जाएगा एंड ग्राफिक के अंदर इंटरगार्डेड LRISX इंटेल का ग्राफिक होगा और रैम एंड स्टोरेज के अंदर हमारे को 16GB की DDR4 रैम मिलने वाली है और स्टोरेज के अंदर 1TB की HDD हार्ड ड्राइव और इसके एक्स्ट्रा में 256GB की हमारे को SSD हार्ड ड्राइव अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज की जो वीडियो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हमारे को 16GB की DDR4 RAM मिल रही है और इसके साथ में हमारे को 1TB की HDD के साथ 256GB की SSD हार्ड ड्राइव मिल रही है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इसके साथ में इस HP 70 लैपटॉप का अदर लैपटॉप से जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है। फ्रेंड्स, कोई बता नहीं सकता कि इसके अंदर अब क्या कमी है, अगर आपको कोई पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। तो चलिए अब हम इसके कुछ बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को 3 सेल की Li Lion की 41 वाट की हमारे को बैटरी मिल जाएगी, जिसका चार्जर अडैप्टर 45 वाट का होगा, मतलब हम इसे 0 से 18% ओनली 15 से 16 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो अगर आप इसे कोई बिजनेस के वर्क के अंदर यूज कर रहे हो तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो इजिली 5 से 6 आवर तक होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो इजिली 8 घंटे तक मिलेगा। इन सभी को देखकर जो इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमारे को काफी अच्छा मिल रहा है। अगर गेमिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर GTA 5 एंड Minecraft गेमिंग के अंदर हमारे को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब हम इसके अंदर इजीली कोई भी अपने मनपसंद का गेम प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, HP कंपनी बोली है कि ये जो HP 70 लैपटॉप है ये स्पेशल बिजनेस के लिए, जिस प्रकार से वीडियो एडिटिंग करना, फोटो एडिटिंग करना, कोडिंग वगैरह और डेवलपिंग करना, ये तो सब हम करने वाले हैं, इसके साथ साथ क्यों ना हम गेम प्ले किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे अगर आप इस लैपटॉप को बाय कर रहे हो तो आप इसके अंदर गेम प्ले एक बार करोगे या फिर नहीं करोगे। तो चलिए हम HP 70 लैपटॉप के पोर्ट्स एंड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर हमारे को HDMI पोर्ट, SD कार्ड रीडर पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट और USB पोर्ट मिलेंगे। और नंबर 2 पर इस लैपटॉप के अंदर हमारे को स्टीरियो स्पीकर मिलने वाले हैं। और नंबर 3 पर इस HP 70 लैपटॉप का जो वेट है वो 2.05 किलोग्राम के अराउंड होगा। और नंबर 4 पर HP कंपनी हमारे को इस लैपटॉप के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं दे रहा। मेरे को फ्रेंड्स, इस HP 70 लैपटॉप के पोर्ट्स एंड फीचर्स के अंदर ज्यादा तो खास बात लगी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को कंपनी को फिंगरप्रिंट सेंसर तो प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसके अलावा जो इसका वेट है वो थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो हम इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ प्राइस की ओर कदम रख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को इसी वक्त का इंतजार था कि इसके अंदर हमारे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है और इसका हमारे को इंडिया के अंदर प्राइस क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं।
इस HP 70 लैपटॉप के अंदर हमारे को 10,000 रूपए से लेकर 12,000 रूपए के अंडर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 10,000 रूपए से लेकर 12,000 रूपए के अंडर हमारे को डिस्काउंट मिल रहा है। अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये हमारे को 54,000 रूपए के अंडर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा HP 70 लैपटॉप, और काफी अच्छा लैपटॉप है। इसके अंदर हमारे को फीचर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, और जो सभी लैपटॉप है उनके अंदर हमारे को इतने अच्छे फीचर नहीं प्रोवाइड करवाती कंपनी, और जो इसका बजट है वो भी हमारे अंडर में है, मतलब इसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सेवा वाइज चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता है। चलो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।